योगी सरकार में एसटी एससी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने हाथ जोड़ते हुए कुछ दबंगों से अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए अपनी ही सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल मामला उस समय सामने आया जब मुरादाबाद थाना मंझोला क्षेत्र के बुद्धि बिहार में रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एवं एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घर के बाहर उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, तभी स्कूटी पर आए अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अज्ञात बदमाश गाड़ी के शीशे तोड़कर फरार हो चुके थे। साध्वी गीता प्रधान इस समय लखनऊ में होने के कारण उनके भाई के द्वारा थाना मंझोला पुलिस को तहरीर दी गई है। साध्वी गीता प्रधान ने लखनऊ से ही अपना बयान देते हुए कहा कि कुछ दबंग लोग उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, पिछले दिनों उनके बड़े भाई की भी हत्या कर चुके हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम का जायजा लिया और पूरे मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू कर दी। प्रभारी निरीक्षक मंझोला राकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य मंत्री की भाई की तरफ से तहरीर दी गई है, पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। हमारा नाम साध्वी गीता है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एसटी आयोग की सदस्य हूँ। मैं दो दिन पूर्व आयोग के किसी कार्य से लखनऊ आई हुई हूँ। आज शाम को मेरे भाई ने मुझको अवगत कराया। हमारा आवास बुद्धि विहार आवास विकास कॉलोनी आकांक्षा नर्सिंग होम के सामने है, वहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। आज 6:30 बजे कुछ दबंग लोग वाइट कलर की स्कूटी से आए और स्कूटी में ईंट पत्थर वो लेकर आए या वहाँ पर पड़े थे हम नहीं जानते, और मेरी गाड़ी को पीछे से तोड़कर भाग गए। परिवार के लोगों ने और आसपास के लोगों ने उन सबको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। कुछ समय पूर्व में भी हमको अवगत कराया कि कुछ लोग हमारे घर के आसपास देखे गए थे, लेकिन इस चीज़ को मैंने संज्ञान में नहीं लिया। इससे सीधे सीधे ज्ञात होता है कि कुछ लोग मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 26 जनवरी को कुछ दबंग लोगों ने कार दुर्घटना करके मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मैं प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार की जान माल को खतरा लगा हुआ है। कुछ लोग मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, वो समाज व अदर समाज के भी हो सकते हैं, कौन है हम नहीं जानते। इसलिए मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपा करके मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा करने का प्रयास करें। मैं ऐसी उम्मीद सरकार से प्रशासन से करना चाहती हूँ।